फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम मॉड 6 एसिंक्रोनस काउंटर करेंगे। मॉड 6 में इसके मॉडुलस दिया हुआ है किसी काउंटर का। मॉडुलस का क्या मतलब होता है कि जो भी मोड दिया होता है, जो भी मॉडुलस है काउंटर का, जैसे इसका मॉड 6 काउंटर है, इट मींस के ये इसके अंदर जो स्टेट्स होंगी वो 6 स्टेट्स होंगी। जितना मॉडुलस होता है या जितनी स्टेट्स होती हैं वो उस काउंटर का मॉड होता है, उसको मॉडुलस ऑफ द काउंटर कहते हैं। सो जब इसके अंदर स्टेट 6 हैं, 6 स्टेट का मतलब कि हम मैक्सिमम काउंट यदि निकालें इसके अंदर, तो मैक्सिमम काउंट क्या आ जाएगा? मैक्सिमम काउंट हमें पता है कि हमने फॉर्मूला निकाला था। मैक्सिमम काउंट के लिए क्या फॉर्मूला है? 2^n-1 से हम इसको निकालते हैं। और ये 2^n क्या है? ये स्टेट्स है। जो स्टेट्स हैं वो किसके बराबर आती हैं? 2^n के बराबर। तो ये क्या दिया हुआ हमें? 6 दिया हुआ है, -1। इट मींस कि मैक्सिमम काउंट क्या आएगा? 5 काउंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये 0 से 5 तक काउंट करेगा। यदि हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखें, जो भी काउंट हमें दिया हुआ है उसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट चेक करें, उसकी बिट्स चेक करने के लिए, तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 101। सो 0 को हम कैसे लिखेंगे? 000। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3 बिट्स हैं, और 3 बिट्स को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए यहां पर। तो इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज होंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप्स। बट प्रीवियसली हमने देखा था कि यदि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करते हैं तो 2^3 यदि हम देखें तो 8 स्टेट्स बनती हैं इसकी। बट हमें क्या करना है? इन 8 स्टेट्स से हमें कन्वर्ट करना है किसमें? कि हमारा जो काउंटर है वो कहां तक काउंट करे? 5 तक काउंट करे, 6 स्टेट्स तक काउंट करे, और उसके बाद उसकी वैल्यू फिर से इनिशियल वैल्यू हो जाए 00। सो यदि इन 6 स्टेट्स की हम काउंटिंग सीक्वेंस देखें जिसमें 0 से 5 तक काउंट करेगा बेसिकली, तो काउंटिंग सीक्वेंस क्या रहेगी यहां पर? 3 फ्लिप फ्लॉप्स के लिए क्या काउंटिंग सीक्वेंस रहती है? 0, 1, 2, 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7। और इसके बाद 00 आता है जब हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं। यहां तक हमारा काउंट आता है, इट मींस कि ये 8 स्टेट्स मिलती हैं हमें। बट यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अप टू 5 तक काउंट करेगा। ये 5 तक काउंट करने का मतलब है कि ये 5 है यहां पर, यदि इनका हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिखें तो ये 0 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3, 4 एंड दिस इज 5। 5 तक हमें यहां तक काउंट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेट है यहां पर, इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए? यहां पर हमें 000 चाहिए। सो उस केस में ये क्या करेगा? दिस विल वर्क एज मोड 6 काउंटर, क्योंकि इसके अंदर 6 डिफरेंट स्टेजेस हैं। डिफरेंट स्टेट्स मैंने बताई थी कि जब इनिशियल वैल्यू उसकी रिपीट होती है उसको मॉडुलस ऑफ द काउंटर कहते हैं। सो ये 0 से लेके 5 तक काउंट करेगा। तो इसको हमें कैसे बनाना है कि इसके बाद हमारा काउंट जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब हमें फ्लिप फ्लॉप्स, तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, बट उसके अंदर क्या सर्किटरी हम यूज करें कि उसकी जो काउंट है वो 5 के बाद हमें 00 मिले। तो इसके लिए हम क्लियर और प्रीसेट इनपुट का हम यूज करेंगे। क्लियर और प्रीसेट क्या है? प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो क्लियर और प्रीसेट है, प्रीसेट एंड क्लियर हमने क्या पढ़ा था? प्रीसेट एंड क्लियर, ये दीज आर एसिंक्रोनस इनपुट्स। ये क्या होती हैं? एसिंक्रोनस इनपुट्स होती हैं। और इस एसिंक्रोनस इनपुट्स क्या काम करती हैं? यदि किसी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हमें 0 करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लियर यूज करते हैं। तो वो क्या कर देगी उस फ्लिप फ्लॉप को? 0 कर देगी उसकी मेमोरी को। और उसकी मेमोरी को हमें 1 सेट करना है
तो हम प्रीसेट यूज करते हैं, हमने देखा था कि ये जो इनपुट्स हैं दीज आर एक्टिव लो इनपुट्स। एक्टिव लो का मतलब है कि जब इनको हम जीरो अप्लाई करेंगे तो ये एक्टिवेट होंगी, मींस के यदि क्लियर को हम जीरो कर दें तो उसके बाद क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप हमारा जीरो हो जाएगा, उस फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी जीरो हो जाएगी। इट मींस कि यहां पर यदि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो 101 तक यहां तक काउंट करे और उसके बाद क्लियर को हम कोई ऐसी इनपुट दें जिससे हमारे पास आउटपुट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके अंदर हमारी स्टेट्स कैसी रहेंगी, इसके अंदर स्टेट्स मींस के पहले जीरो काउंट करेगा, देन उसके बाद वन काउंट करेगा, देन उसके बाद टू काउंट करेगा, देन थ्री आएगा, फोर आएगा यहां पर, देन फाइव आएगा एंड फाइव के बाद जीरो आएगा। इसके बाद यहां पर जो सिक्स और सेवन स्टेट्स थी हमारी वो स्टेट्स हम नहीं यूज करते इसके अंदर, तो ये काउंट रहेगा जीरो टू वन टू टू थ्री फोर फाइव एंड देन अगेन जीरो। ये क्या रहेंगी, इसकी स्टेट्स रहेंगी किसके लिए, मोड सिक्स काउंटर के लिए स्टेट्स हैं। यदि हम यहां पर इसका डायग्राम बनाएं, ब्लॉक डायग्राम, यहां पर हम थ्री फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे और फ्लिप फ्लॉप को हमें किसमें यूज करना है, टॉगलिंग मोड में यूज करना है, और टॉगलिंग मोड के लिए दो फ्लिप फ्लॉप हम यूज करते हैं, या हम जेके फ्लिप फ्लॉप करेंगे या टी फ्लिप फ्लॉप करेंगे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगलिंग मोड में कब काम करता है, जब जे और के इनपुट्स को हम शॉर्ट कर दें और वहां पर लॉजिक वन अप्लाई करें तो वो एज ए टॉगलिंग मोड में काम करता है, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के हमने डायग्राम्स में देखा था। तो इसमें हम यहां पर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, इसके अंदर यहां पर ये कोई इनपुट है, जैसे दिस इज फ्लिप फ्लॉप जीरो है, ये फ्लिप फ्लॉप वन है एंड दिस फ्लिप फ्लॉप इज टू, तो यहां पर ये टी जीरो होगा, दिस इज क्यू जीरो, क्यू जीरो कॉम्प्लीमेंट, दिस इज टी वन और यहां पर हम क्यू वन एंड क्यू वन कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज टी टू, यहां पर क्यू टू एंड क्यू टू कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से यूज करेंगे हम। यहां पर हम क्लॉक पल्स यूज करेंगे उसी तरह से जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डायग्राम बनाया था, क्लॉक है ये, क्लॉक पल्स यूज करेंगे हम। ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इट मींस के ये जो नेगेटिव एज है क्लॉक पल्स का उस पर इसकी आउटपुट एक्टिवेट होगी, और एसिंक्रोनस है इसलिए फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट सेकेंड के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगी, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगी। तो इस तरह से हमने बनाया। अब यहां पर क्लियर और प्रीसेट, हमें पता है कि प्रीसेट जो है यहां पर हम लगाते हैं, और क्लियर और प्रीसेट का हमें पता है कि क्लियर और प्रीसेट को हम नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए वन से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम ये क्या है, बेसिकली दिस इज प्रीसेट, जिसको पी आर से डिनोट करते हैं हम, पी आर, और इसको हम लॉजिक वन से कनेक्ट कर देंगे। यहां पर हम क्लियर यूज करेंगे, क्लियर इनपुट, और क्लियर इनपुट को हम किसी कॉम्बिनेशन सर्किट से कनेक्ट करेंगे। यहां पर दिस इज क्लियर इनपुट, इस क्लियर इनपुट को हम किसी कॉम्बिनेशन सर्किट से कनेक्ट करेंगे, जो भी लॉजिक हमारा आएगा कि जिसके बाद वो जीरो जीरो कर देगा फाइव काउंट के बाद। तो यहां पर ये क्यू जीरो है, दिस इज क्यू वन है और ये क्यू टू, ये आउटपुट्स हैं जैसी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखी थी। और ये एल एस बी होता है, एल एस बी मैंने बताया था क्यों होता है, जिस फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं उसकी आउटपुट एज ए एल एस बी का काम करेगी, क्यू जीरो है, क्यू वन है, क्यू टू है, और जो लास्ट का फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट एम एस बी का काम करती है, इस तरह से। तो यदि इनको हम एल एस बी एम एस बी की फॉर्म में लिखें यहां पर,
तो दिस इज Q0, Q1 एंड Q2, ये टेबल में हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करें, यहां पर इसका जो काउंट आएगा वो काउंट हम देखते हैं, ये जो वेव फॉर्म्स है यहां पर अकॉर्डिंग टू क्लॉक पल्स हम चेक करेंगे यहां पर, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 5 है हमारा, 5 के बाद हमारा काउंट क्या होना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। तो नॉर्मली जो काउंट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हमें पता है कि ये नेगेटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, नेगेटिव एज पे हम मार्क करेंगे बिकॉज हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल करेगा किस पर, नेगेटिव एज पर। तो दिस इज क्लॉक पल्स और यहां पर ये Q0 आउटपुट है, यहां Q1 लिखेंगे और यहां Q2। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ये कि इसकी आउटपुट 0 ही रहेगी जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आएगा, 1 ही रहेगी जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आएगा, इसी तरह से ये 0 रहेगी नेगेटिव एज जब तक आएगा। तो ये टॉगल करेगा, टॉगल मींस कि जो भी प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलेगी। तो ये 0 ही रहेगा, इस क्लॉक पल्स पे ये चेंज करेगा, यहां पर 1 आ जाएगा, देन 0, देन 1, इस तरह से 1 ही रहेगा यहां पर, ये 0 और ये 1। सो हमें पता है कि ये Q0 है, ये नेक्स्ट के लिए एज ए क्लॉक का काम करेगा, तो हम इसको मार्क करेंगे इसके नेगेटिव एज को, बिकॉज ये जो Q1 आउटपुट है ये इसके नेगेटिव एज पे डिपेंड है, क्योंकि ये क्लॉक पल्स है किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए। तो ये 0 ही रहेगा जब तक नेगेटिव एज नहीं आएगा, ये यहां पर इस तरह से ये जो आउटपुट्स हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने की हैं, तो इस तरह से अब तक आपको एग्जैक्टली आइडिया हुआ होगा कि हम कैसे इनको ड्रॉ करेंगे और कैसे रीड करते हैं इनको। तो ये Q1 की आउटपुट है जो एज ए क्लॉक का काम करेगी किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए। तो अब इसके एंड पे हम यहां पर नेगेटिव एज में मार्क करेंगे, तो Q2 फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या रहेगी हमारी, यहां तक 0 रहेगा, इस नेगेटिव एज पे ये 1 होगा, देन यहां तक 1 रहेगा, नेक्स्ट नेगेटिव एज यहां आया तो 0 होगा देन। तो इसमें हमने यदि इसके काउंट्स को हम चेक करें तो ये 0 0 0 है, ये 0 0 1 0 1 0 0 1 1 देन 1 0 0 देन 1 0 1। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो काउंट है ये 101 और ये 100, दिस इज 011, दिस इज 010, 001 एंड दिस इज 00। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि यहां पर इस काउंट के बाद हमारी सीक्वेंस क्या हो जाए, 00 हो जाए, देन ये किसका काम करेगा, मॉड 5 का काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए दो मेथड हैं। एक मेथड हम देखते हैं कि जो एग्जैक्ट मेथड है वो क्या है, कि इसकी जो टेबल है उसको हम Kmap यूज करके उसका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालें और तब हम उस कॉम्बिनेशन सर्किट को या जो भी एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम गेट यूज करें। तो पहले वो देखते हैं, ये सीक्वेंस है यहां पर, तो इसमें हमने देखा है कि जब यहां पर इसके अकॉर्डिंगली यदि हम इसको यहां पर आउटपुट में क्लियर चेक करें कि क्लियर आउटपुट कैसे आएगी, तो इस क्लियर आउटपुट को जब हम देखते हैं तो 0 के लिए क्लियर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारा काउंट करेगा ना 0, और ये 1 1 रहेगी क्लियर इन के लिए, लेकिन हमें 0 कहां करना है, इस 1 1 0 पे हमें 0 करना है, तो इसके लिए क्लियर आउटपुट क्या रहनी चाहिए, क्लियर सॉरी इनपुट क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। मींस कि इस काउंट पे आके क्लियर एक्टिवेट हो जाए, क्लियर एक्टिवेट कब होगी, जब क्लियर की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज जो क्लियर एंड प्रीसेट हैं ये क्या है, दीज आर एक्टिव लो इनपुट्स। जब इनको हम 0 करेंगे तब ये क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी, वरना नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इनको हम 1 से कनेक्ट करते हैं जैसे हमने प्रीसेट को कर रखा है, बिकॉज प्रीसेट की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर को हमें 0 करना है, कब करना है,
इस 6 के ऊपर जब 110 हमारा आउटपुट रहेगा वहां पर 0 होना चाहिए, ये क्लियर। और इसके बाद एक काउंट हमारा बचता है ये, तो इसके ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डोंट केयर कंडीशन यूज करते हैं इसके लिए। तो इस क्लियर के लिए 3 वेरिएबल की एमएफ हम बनाएंगे इस तरह से, बिकॉज जो इनपुट्स हैं वो क्या है, 3 इनपुट्स हैं यहां पर। तो इस तरह से क्लियर के लिए हमने केएमएफ बनाया है यहां पर इस तरह से। तो यहां पर हम एमएसबी लिखते हैं, एमएसबी क्या है, Q2, Q1 और ये यहां पर क्या है, Q0। तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर 0001 11 10 01। अब हम इनको फिल करेंगे यहां पर, इसमें 1 है, 2 यहां पर, 2 3, देन 4 में 1 है, 5 में भी 1 है, 6 में क्या है, 0 है यहां पर। तो इस पे 0 लगाएंगे एंड इसके लिए यहां पर डॉट। तो इसकी जब ग्रुपिंग हम करें तो इसकी ग्रुपिंग हमें पता है क्या आएगा यहां पर, ये एक 4 का ग्रुप बनेगा। 4 का ग्रुप बनने के लिए क्या है यहां पर, यदि हम क्लियर आउटपुट हम इसकी लिखें तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो दोनों इसमें कॉमन क्या है यहां पर, 0 कॉमन है, 0 कॉमन के लिए हम क्या लिखेंगे, Q2 कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद बचा ये, इसको हमने यहां 4 का ग्रुप बना दिया एक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर Q1, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, प्लस Q1 कॉम्प्लीमेंट। अब यदि इसको हम देखें तो ये किसके बराबर है, इसको हम यदि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये Q2 इंटू Q1 कर दें और पूरे पे कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है कि जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो उसका ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ओरिंग है तो वो एंडिंग आ जाएगी और एंडिंग है तो ओरिंग आ जाएगी। सो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके हमने इसको इस तरह से लिखा। अब ये क्या है, बेसिकली एक नैंड गेट की आउटपुट है। तो हम इस क्लियर के लिए क्या करेंगे, एक नैंड गेट यदि लगा दें, ये एक्सप्रेशन आया हमारा, तो यहां पर हम एक नैंड गेट लगाएंगे इस तरह से। इनपुट्स क्या है, Q1 और ये Q2 है, इसकी इनपुट हमने यहां से ली। और कहां पर देना है इसको कनेक्ट, कहां पर करना है इसको, क्लियर के अंदर कनेक्ट करना है। तो इसको इस क्लियर में हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे तो ये काउंटर हमारा क्या बन जाएगा, MOD-6 काउंटर। बिकॉज यहां पर हमने टेबल बनाई, इसने यहां पर 5 तक काउंट किया, क्लियर 5 तक 1 रही यहां पर, और उसके बाद यहां पर 6 पे हमने क्लियर अप्लाई कर दिया। तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहां पर एक नैंड गेट लगाया हमने। नैंड गेट किन इनपुट्स पे, आउटपुट्स पे लगेगा, Q2 पे और Q1 पे एक नैंड गेट लगा के क्लियर में दिया है। इट मींस कि ये क्या करेगा, जो हमारी आउटपुट्स हैं, आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर इस 5 के बाद इस तरह से ये क्या है, यहां पर 0 है, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये 0 ही रहेगी, ये 0 आ जाएगा। और ये जो आउटपुट है यहां पर, ये बहुत थोड़े से डिले के बाद हमारी 0 हो जाएगी इस तरह से, और इसी तरह से ये बहुत थोड़े से डिले के बाद इस तरह से। तो इस तरह से हमारा एकदम से 0 नहीं होगी, उसको थोड़ा सा डिले आएगा। थोड़ी सी डिले क्यों आएगी, किसके बराबर आएगा वो डिले, जो भी हमने यहां नैंड गेट यूज कर रखा है, जो भी हमारे सर्किट्स हैं, जो भी गेट्स हैं, जैसे ये गेट है तो इसका प्रोपेगेशन डिले है, जो भी इनपुट हमने अप्लाई की वो कितने ड्यूरेशन में हमें आउटपुट में मिलती है, दैट इज प्रोपेगेशन डिले। सो जितना डिले ये नैंड गेट प्रोवाइड करेगा उतनी देर बाद हमें यहां पर 0 मिलेगी। तो ये इस टाइप की हमें यहां पर ये मिलते हैं, तो इसको ग्लिच बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड ग्लिचेस। तो इस तरह से ये काउंट करेगा। अब यहां पर हमने क्या रिजल्ट निकाला, जो भी हम नैंड गेट लगाए यहां पर, दूसरा तरीका क्या है कि जो भी नैंड गेट लगाना हमें, नैंड गेट का हमें पता है कि जब तक इनपुट्स 1 रहेंगी तब तक आउटपुट 0 रहेगी, और हमें रिक्वायर्ड क्या है यहां पर, क्लियर की वैल्यू 0 है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक इसका शॉर्टकट भी है, जब हमारी यहां पर जो नेक्स्ट काउंट जहां पर हमें 0 0 करना है,
इस नेक्स्ट काउंट पे हम क्या करें, जो भी हाई आउटपुट्स हैं उनको हम चेक कर लें, जैसे ये वन है और ये वन है, तो इन दोनों वन को उठा के, दोनों इनपुट्स को उठा के हम क्या करें इसके अंदर कनेक्ट कर दें। तो इस नैंड गेट में, ये जो नैंड गेट हमने यहां लगाया है, जो भी इनपुट वन वन है, ये वन है, ये वन है, तो इन दोनों को पिक करके हम नैंड गेट में लगा दें। किसी बुक्स में आपको यहां पर एक नॉट गेट भी लिखा मिलेगा, यहां पर एक नॉट गेट लगा रखा होता है। ये नॉट गेट क्यों लगा रखा होता है, जो भी जीरो है यहां पर उसके लिए एक नॉट गेट लगा रखा है, बट इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है। जो भी इनपुट्स वन वन है, जैसे यहां पर वन क्या था, क्यू टू, क्यू वन और ये क्यू जीरो, ठीक है, ये तो वन था ही, ये भी वन था, ये जीरो के बराबर था, इसलिए यहां पर एक नॉट गेट लगाया है हमने। आप देख सकते हैं यदि इस जीरो को हम ना भी यूज करें, ये क्यू टू और क्यू वन कहीं भी वन वन नहीं है, सिर्फ इसी काउंट पे जाके क्या होते हैं, ये वन वन होते हैं। इट मीन्स कि इनको जब वन वन हम करेंगे तो उसके पहले एक इनपुट जीरो है कहीं भी, इसमें भी एक इनपुट जीरो है, इसमें भी एक इनपुट जीरो है, यहां भी एक इनपुट जीरो है, यहां भी एक इनपुट जीरो है, तो एक इनपुट जब जीरो रहेगी, जो भी हम नैंड गेट हम यूज करेंगे, एक भी इनपुट नैंड गेट की जीरो रहेगी तो नैंड गेट की आउटपुट वन ही रहेगी, जीरो नहीं हो पाएगी। इसलिए इस काउंट से पहले जो भी हम यूज करेंगे नैंड गेट, वो आउटपुट जीरो नहीं दे पाएगा, तो हमारा क्लियर जीरो नहीं होगा, तो उसके बाद आउटपुट हमारी जीरो नहीं होगी। तो एक मेथड ये है कि हम डायरेक्ट पिक करें यू की यू काउंट में से जो भी आउटपुट्स वन वन है और वहां पर एक नैंड गेट कनेक्ट करें और उसको हम क्लियर में इंसर्ट कर दें। तो इस तरह से कोई भी इंटरमीडिएट मोड हमें दे रखा है तो वो हम इस तरह से काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। हमें जो एग्जैक्ट मोड है वो क्या है, जैसे कोई भी टू बिट काउंटर है उसका मोड क्या होगा, फोर होगा। कोई भी थ्री बिट काउंटर है उसका मोड क्या होगा, मैक्सिमम मोड यहां पर एट होगा, बिकॉज टू रेज टू पावर टू फोर, टू रेज टू पावर थ्री एट। कोई भी फोर बिट है तो उसका मोड क्या होगा, 16 होगा। यदि इनके बीच का कोई भी मोड दे रखा है हमें, मान लो यहां पर हम कहते हैं कि मोड 9 निकालो, मोड 10 निकालो, मोड 5 निकालो, तो इस टाइप के मोड्स जो हैं, इन मोड्स के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं, क्लियर और प्रीसेट जो है वो इनपुट्स यूज होती हैं, और जो क्लियर है उसमें हम नैंड गेट यूज करके जीरो इंसर्ट करते हैं, जिससे क्लियर एक्टिवेट होता है और उसके बाद का काउंट हमारा जीरो हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी मोड आप निकाल सकते हैं। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।